नमस्कार दोस्तों, कृष्णा फूड एक्सेस में आपका स्वागत है। लीजिए, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर, आलू बथुए का पराठा, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 6 बॉयल्ड किए हुए आलू लिए हैं, 1 चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद अब उसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच ही मैं अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, 1 चम्मच मैं इसके अंदर भुना हुआ जीरा डालूँगी जो कि पीसा हुआ है। अब इसके अंदर 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्च और 2 ही टेबलस्पून बथुआ। बथुए को मैंने अच्छे से पहले साफ कर बॉयल्ड कर लिया था। बॉयल्ड करने के बाद इसको कद्दूकस कर लिया था। आप चाहे तो इसको कद्दूकस कर लीजिए या इसको बारीक बारीक नाइफ की हेल्प से कट कर लीजिए। लीजिए, अब इनको हमने सबको अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखिए, बथुआ मेरा बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कि हम रायते के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसे। ये लीजिए, पिट्ठी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो रही है। आजकल सर्दियों का सीज़न है, आलू थोड़ी ज़रा सख्त से आते हैं, आप इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं। लीजिए, बिल्कुल हमारा पिट्ठी जो मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैंने ये आटा पहले से ही गूंदा हुआ रखा हुआ था, मेरा डो तैयार है। अब इस डो की मैं एक छोटी सी पेड़ी बनाऊंगी। इस पेड़ी को मैं थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको थोड़ा सा बेलेंगे। थोड़ा सा बेलने के बाद अब मैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 चम्मच मैंने फिलिंग डाल ली है इसकी आलू बथुए की। और अब हम इसके सारे किनारे मोड़कर एक इसको बंद कर देंगे और इस पेड़ी को अब हम बिल्कुल ही हल्के हाथों से बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलिएगा, आप देखिएगा कि जो हमारी जो फीलिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। ये लीजिए, मेरा पराठा बिल्कुल बन गया है। अब मैंने गैस के ऊपर एक तरफ तवा भी रखा हुआ है गर्म करने के लिए। लीजिए, पराठे को तवे पर रख दिया है सेकने के लिए। लीजिए, अब पराठे की साइड को बदलेंगे हम। अब बदलने के बाद अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगाकर हमने अच्छे से पराठे को सेकना है। अब हमें लगे दूसरी तरफ भी सेक गया है, तो दूसरी तरफ भी ऑयल लगाकर हम सेकेंगे। स्पून की सहायता से बिल्कुल आप हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो पराठा देखिए बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएगा। ऐसे ही तरीके से दोनों साइडों से बिल्कुल ब्राउन पराठा हो जाएगा हमारा। देखिए कितना क्रिस्पी बन रहा है पराठा। आप यकीन मानिए, ये पराठे बनाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेंगे, आप फिर हमेशा इन्हीं को ही बनाया करेंगे। लीजिए, पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। आप इस पराठे को दही के साथ, मक्खन के साथ या चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो कृपया करके कृष्णा फूड एक्सप्रेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ये रेसिपी बनाइएगा जरूर और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भेजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।